प्रीवियसली ऑन IGI 2, जिसमें हमने मिशन 8 का बहुत ही टफेस्ट चैलेंज किया था, जो आप लोग जानते ही हो। और चैलेंज क्या था ये बताना जरूरी नहीं है। उस मिशन में यानी मिशन 8 में हमें प्रीबॉय से मिलना रहता है। अब प्रीबॉय कौन है ये भी जानना जरूरी नहीं है। I'm her, Jones. मेन बात यह है कि उस मिशन में अगर हम लोग डिटेक्ट हो जाते या किसी ना किसी तरीके से अलार्म बज जाता है तो वो लोग प्रीबॉय को मारने के लिए जाते हैं, और अगर वो मर गया देन मिशन फेल। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बिना मरे ही मिशन फेल हो जाता है। एंड आई नो ये भी आप लोग जानते हो। हम ये बताना चाह रहे हैं कि इसी मिशन की तरह इस गेम में एक और ऐसा मिशन है जिसमें अलार्म बजते साथ ही मिशन फेल हो जाता है। भले ही सारे के सारे एनिमी खत्म होने के बाद भी अगर अलार्म बजता है तो भी मिशन फेल। यस गाइस, आपने सही गेस किया। एक मिनट, आप लोग गेस भी कर रहे थे, खैर जाने दो। यस, हम मिशन 14 आइलैंड असॉल्ट का ही बात कर रहे हैं, और इसी मिशन पे हमें एक चैलेंज भी मिला है। और चैलेंज ये है कि हमें इस मिशन यानी कि आइलैंड असॉल्ट में किल एवरीवन करना है विथ नाइफ। ओ भाई, देखो लिखा बस सिंपल है, लेकिन ये चैलेंज अच्छे अच्छों का डिंपल निकाल देगा। आई नो इस लाइन का यहाँ में कोई मतलब नहीं है, बस निकल गया मुंह से। ओके, अबाउट दिस मिशन, अबाउट दिस चैलेंज बताने की जरूरत नहीं है, हार्ड में ही है। आप लोग डिस्क्रिप्शन नहीं देखते हो, देखा करो प्लीज। सो मिशन तो अपने आप में टफ है ही, हार्ड है ही, लेकिन चैलेंज के कारण ये और ज्यादा टफ हो चुका है। एंड आई नो अगर ये चैलेंज हम कंप्लीट कर भी देते हैं तब भी आप लोग पता नहीं कहां कहां से इसी चैलेंज के वेरिएशंस लाने लगोगे। बात तो सही है, और हम एक ही मिशन खेल खेल के बोर भी हो जाते हैं, ठीक है। तो वो जो मौका है वो हम आप लोग को देंगे ही नहीं। सो आई डिसाइडेड इस चैलेंज को हम लोग जितना टफ कर सकते हैं हम लोग उतना टफ करेंगे, और वो है अनडिटेक्टेड। यस गाइज, अनडिटेक्टेड के साथ ये चैलेंज और भी ज्यादा टफ हो चुका है। अब डेविड जोन्स की उम्मीद मत करना प्लीज, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। सो हमारा चैलेंज क्या है? हमारा चैलेंज है कि मिशन 14 यानी आइलैंड असॉल्ट में किल एवरीवन करना है विथ नाइफ एंड प्लस अनडिटेक्टेड। सो ये चैलेंज अपने आप में एक सवाल क्रिएट करता है, और वो ये है कि क्या ये पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो कैसे। लेट्स फाइंड आउट। ऑलराइट गाइस, वी आर इन गेम नाउ। तो चैलेंज के अकॉर्डिंग, एक सेकंड, गेम को हम लोग रिस्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो चैलेंज और अनडिटेक्टेड के अकॉर्डिंग गेम प्ले थोड़ा सा लंबा होने वाला है, आप लोग समझ ही सकते हो इस चीज को। और सिर्फ नाइफ ओनली है तो वेपन रखने का क्या फायदा। और ये तीन हमारे पहले टारगेट है, तो पहले डिस्ट्रैक्शन। ओके, आवाज नहीं किया, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कभी कभी ये लोग आवाज नहीं करते हैं, लेकिन ये लोग डिस्ट्रैक्ट तो हुए रहते हैं, ठीक है। तो हमें इसको पहले ख़त्म करना है, लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि कहीं वो लोग देख ना ले, ठीक है। थोड़ा सा वेट, और ऑलराइट, ठीक है, ये लोग पीछे नहीं मुड़े, अच्छी बात है। कभी कभी ये होता है कि ये लोग मुड़ जाते हैं। ओके, तो मेरा ध्यान ये है कि हम इसको पहले ख़त्म करेंगे। एंड ऊपर एक स्नाइपर है, वो इस जगह पर हमें देख सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। चलो अच्छी बात है, हम लोग बच गए। और अब इसकी बारी, थोड़ा सा हमें आगे आना होगा। तो अभी ऑलराइट, अभी ठीक है, यहाँ के सारे लोग ख़त्म, हम लोग अभी भी अनडिटेक्टेड हैं, वेरी नाइस। और यहाँ से हमें करना है परफेक्ट जंप। वाओ, ये हमेशा होता नहीं है। बाय द वे, इसके मुकाबले ये ज़्यादा फास्ट है, हम नोटिस किए हैं। ओके, यहाँ पे हम बगल वाले को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, वो हम चाहते हैं कि वो जैसा है वैसे ही रहे, इसलिए हम थोड़ा भी आवाज़ नहीं करेंगे। बिल्कुल यहाँ से शांति से, मतलब कि एकांत, बिना आवाज़ किए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हम लेट जाते हैं। ओके, तो हमारा जो टारगेट है वो आगे वाला है, स्नाइपर, और बाकी बचे लोगों को हम लोग बाद में मारेंगे, पहले आगे वालों को हम लोग ख़त्म करेंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि जो फ्यूल टैंक के आसपास है वो दूर में, वो भी कभी कभी डेड बॉडी देख लेता है या फिर आवाज़ सुन लेता है, तो कोशिश करना है इससे थोड़ा जल्दी ख़त्म करें।
ऑलराइट, अब स्नाइपर की बारी। अभी टैंकर वाले तरफ से आवाज नहीं आया, यानी कि वी आर सेफ नाउ। आई बिलीव कि वो नहीं देखा होगा आगे वाला। ओके जरा देख ले। ओके अच्छी बात है वो पीछे मुड़ा हुआ था, नहीं तो वो इसको मरते हुए देख लेता है। ठीक है तो अब यहाँ कैसे करना है? ठीक है ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि वो वहाँ तक जब तक जाएंगे तब तक वो हमें देख लेगा। तो उसका एक तरीका है, बस हमें थोड़ा सा जल्दी करना होगा। ओके हम लोग इस गड्ढे पे, गड्ढा तो नहीं है लेकिन फिर भी इस ढलान जगह पे हम लोग ऐसे छुप सकते हैं। ओके इससे थोड़ा सा आगे आने दो एंड ओके चलो भाई बैठ लो और ये ख़त्म। एंड अब इसकी बारी। ऑलराइट ठीक है भाई, अब हमें अंदर जाना है। अंदर मतलब जहाँ जनरेटर है। ठीक है यहाँ से हम लोग बड़े ही आराम से जाएंगे चलते चलते। एंड जंप। एक चीज़ है इस जगह पे, अगर ज़्यादातर मेरे साथ तो हुआ है, ज़्यादातर अगर हम हीट विज़न ऑन कर लेते हैं तो उसके बाद ये लोग हमको पता नहीं कैसे डिटेक्ट कर लेते हैं। ओके चलो सारे ख़त्म, वेरी नाइस। अब इस साइड के जनरेटर भी हम लोग ऑफ कर देंगे। एंड अब बारी है फ्यूल टैंक वाले की। ठीक है ज़्यादा आवाज़ नहीं करना है, आराम से। ओके ठीक है आगे नहीं जाएंगे, उसके आने का हम लोग वेट करेंगे। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि हम डिटेक्ट हों। ऑलराइट अब जो है ये थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा डिस्टर्ब। ठीक है होता क्या है कि यहाँ पे ज़्यादातर वाल तो नहीं है, कपड़ा ही है। चलो अच्छा हुआ बहुत आसानी से मर गए। ज़्यादातर होता क्या है कि वहाँ वाल पे अगर नाइफ टच हुआ तो एनिमी को लगता नहीं है, आप लोग जानते हो ये चीज़। एनीवे अभी यहाँ से स्टार्ट होता है टफ पार्ट। ठीक है ज़रा देख ले कौन कहाँ है। ओके थोड़ा सा हम लेट हो गए या फिर थोड़ा सा हम पहले आ गए, कोई बात नहीं। यहाँ में हमें करना होगा इंतज़ार, क्योंकि जो बाकी दो एनिमी हैं, एक सेकेंड हम दिखा देते हैं आप लोगों को, वो रहे जो एनिमी इस ओर आ रहे हैं, उनके जाने का वेट करना है, नहीं तो वो हमें आराम से देख पाएंगे, स्पॉट कर सकते हैं। ठीक है अब दूसरे वाले की बारी। ओके चलो वो जा रहा है, यानी कि हम लोग अब सेफली यहाँ से जा सकते हैं। सेफली नहीं, कभी कभी यहाँ भी होता क्या है कि बसुका वाला देख लेता है, तो हमें थोड़ा सा तो ध्यान देना ही चाहिए। ऑलराइट बस ये बजूका वाला छुप जाए। ओके चलो फाइनली बजूका से हम लोग बच गए हैं। अब हमारा काम है ये टेंट वालों को, इस तंबू वालों को ख़त्म करना। ये बहुत इजी है लेकिन टफ पार्ट, ट्रिकी पार्ट इसके बाद आता है। ओके चलो ये ख़त्म, इसके मुड़ने से पहले ही ये भी ख़त्म। ओके तो अभी हमें करना है एक बार फिर से वेट, क्योंकि ये जो दो गार्ड हैं, जो एनिमी हैं, वो इस ओर आ चुके हैं, इनके जाने का वेट। ओके एक चला गया, अब दूसरे की जाने के हम लोग वेट करेंगे। चलो फाइनली ऑलराइट चलो ये ख़त्म। और हम क्या चाहते हैं कि उससे हम लोग डिस्ट्रैक्ट करेंगे थोड़ा सा और आगे। और अब हुआ या नहीं? चलो हो गया, ये डेड बॉडी नहीं देख रहा है, शायद मेरे से गड़बड़ हो गया, डेड बॉडी ये नहीं देख पाया। जनरली कभी कभी होता यह है कि डेड बॉडी ये देख लेता है। चलो कोई बात नहीं, यानी कि हमें ओ ये डेड बॉडी देख लिया, अब ये अलार्म बजाने के लिए यहाँ आएगा और आते साथ ये ख़त्म। ओके तो ये दूसरा वाला घूम रहा है, इसे ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। ये जनरली क्या करता है कि ये डेड बॉडी देख लेता है जिसे हमने अभी जस्ट ख़त्म किया है। अगर हम लोग नहीं भी मारते ना तब भी हमें इस तरह से वेट करना पड़ता, बट चलो फाइनली अब ये अलार्म बजाने आएगा। ये हमें नहीं देख पाएगा किसी भी तरीके से नहीं, क्योंकि इसे बनाया उस तरह से नहीं गया है। ठीक है इसका मेन काम ये रहेगा कि अलार्म बजाना, बट वो बजा नहीं पाया। ओके
अब हमारा काम है ये एंटीना वाले को खत्म करना, ठीक है, एंटीना या ठीक है जो भी है, ठीक है, ये तो डिस्टर्ब नहीं हुआ, अच्छी बात है, ओके, ऑलराइट, ये जा रहा है, इसे मारना थोड़ा सा हमको ट्रिकी लगा क्योंकि इसके मूवमेंट पे हम आज तक गौर नहीं कर पाए, ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, वेट करेंगे, बस एक को मारने के लिए हम लोग वेट कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है, लेकिन क्या करें, हमने चैलेंज एक्सेप्ट किया है अनडिटेक्टेड का, ठीक है, अभी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और यहाँ में थोड़ा सा लेट जाते हैं क्योंकि ये मुड़ने ही वाला था, ठीक है, यहाँ हम लोग इससे ख़त्म कर दिए। और अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये अंदर मतलब कि ये ऑब्जेक्टिव वाला जगह हम लोग नहीं घुसने वाले हैं, हम लोग अभी यस गाइस हम लोग स्नाइपर को ख़त्म करेंगे। स्नाइपर यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिव है इस मिशन में, सबसे ज़्यादा एक्टिव जो एनिमी है, जो गार्ड है, अरे हाँ, तो वो स्नाइपर है, ठीक है, वो बहुत दूर तक देख सकता है विदाउट स्कोप यूज़ किए, ठीक है, तो थोड़ा सा हम फिलहाल के लिए अभी हम लेट के आगे बढ़ रहे हैं उसके पीछे मुड़ने तक, पीछे मुड़ा, ओके, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं, ऑल राइट, यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से राइट जगह से जाते हैं, राइट वाले साइड से, तो वो हमें आसानी से देख सकता है, देख पाता, लेकिन फिलहाल हम लोग अच्छा हुआ सही डिसीजन लिए, लेफ्ट साइड से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ओके, इसके पीछे मुड़ने से पहले ही इससे ऑलराइट, ये ख़त्म, इजी पीजी, मतलब कि है तो टफ लेकिन फिलहाल ये इजीली हो गया। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव वालों को ख़त्म करेंगे और ये पार्ट सबसे ज़्यादा टफ है क्योंकि तीन गार्ड अंदर में गुटरगु करते रहते हैं, अब वो क्या करते रहते हैं पता नहीं, लेकिन ठीक है, इसे हम लोग बिल्कुल नहीं छेड़ने वाले, पहले वाले को हम लोग आगे बढ़ेंगे बड़े ही सावधानी से, ठीक है, पहला टारगेट ये हमारे सामने है, ऑल राइट, चलो ये ख़त्म, अब उसे हम लोग बिल्कुल नहीं छेड़ने वाले, छेड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल नहीं, टाइम भी हमें बचाना है, ओके, थोड़ा सा लेट के उसे बैठ के भी जाते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कभी कभी डर लगता है, ओके, ये पता नहीं क्यों ये गार्ड अगर वो उस साइड में मुड़ा है तब भी हमें देख लेता है, पता नहीं क्यों, ओके, चलो इजी पीजी, यहाँ तक तो सब ठीक है, अब यहाँ से आता है बिल्कुल टफ तो नहीं, ट्रिकी पार्ट, थोड़ा सा दरवाज़ा, ओके, ये डिस्टर्ब हुआ है लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी तक फुल्ली डिस्टर्ब नहीं हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, अलार्म यहीं पे है, ये ध्यान रखना है, अब हम लोग करेंगे इसका खात्मा, थोड़ा सा आवाज़ और डिस्टर्ब, चल के जा रहे हैं, मतलब चल के जा रहे थे ताकि थोड़ा सा जल्दी पहुंच पाएं, ओके, अब हम लोग करेंगे इसका भी खात्मा एंड थोड़ा सा इंतज़ार, ये क्या डेड बॉडी नहीं देख रहा, ये तो गड़बड़ हो गया, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्ब करना चाहिए, अब तो देखो डेड बॉडी, अब क्या होगा कि ये अलार्म बजाने जाएगा, ठीक है, एक ख़त्म और ये भी ख़त्म, ठीक है, ये हमारी ओर नहीं मुड़ता है अगर वो डेड बॉडी देख लेता तो, उनका मतलब कि उन लोगों का पहला काम यही रहेगा कि अलार्म बजाएं बेवकूफ़ों की तरह, ओके, ये ऑब्जेक्टिव ख़त्म, ऑब्जेक्टिव यूज़ करना मतलब कि विदाउट ऑब्जेक्टिव तो हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते हैं, मिशन कंप्लीट नहीं होता है, हमें वापस से आना पड़ता, ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अंदर जाएंगे, ठीक है, हमारे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ, हम लोग यहीं से चढ़ेंगे, पता नहीं बहुत कोई उस साइड से चढ़ पाते हैं, हम नहीं चढ़ पाए हैं, हमको वो रास्ता मिल नहीं पाया है, शायद हम उतना टाइम नहीं दिए वहाँ तक का, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ तो पहुँच गए, ओके, अब यहाँ भी हमें इन लोगों को, यहाँ हमें सबको ख़त्म करना बहुत ईजी है, आसानी से हम लोग सबको इसको मार सकते हैं, बस आवाज़ हमें नहीं करना है, ऑलराइट, चलो ये भी ख़त्म, और अब है ये नेक्स्ट की बारी,
ठीक है, ये हमारी ओर मुड़े रहता है लेकिन पता नहीं क्यों ये हमें देख नहीं पाता है। ओके चलो ये ख़त्म, और अब नहीं हम लोग दरवाज़ा खोलने का बेवकूफ़ी नहीं करेंगे, यहीं से हम लोग इससे, अरे बाप रे, ओ चलो वो पीछे मुड़ ही रहा था जैसे लगा। ओके हमें करना है यहाँ पे डिस्टर्ब, ठीक है, इन्हें चारा देना है, ये लोग चारा के चक्कर में अब आएंगे, ये लोग नहीं बस एक ही तो है। ओके डेड बॉडी देख के अलार्म बजाने जाएगा और ये ख़त्म, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ मुश्किल वाला काम आ गया है, क्योंकि यहाँ वाले जो एनिमी है उन्हें ख़त्म करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है, वो भी अनडिटेक्ट होके बिना इन लोगों के नज़रों में आए हुए, क्योंकि ये पूरी तरह से खुला मैदान है, ठीक है। तो यहाँ पे ओके ये लोग अभी तक पोजीशन नहीं लिए हैं, हमें थोड़ा सा पोजीशन, ओके चलो ये पोजीशन ले चुका है। अब हम लोग इन लोगों को आराम से वन बाय वन करके ख़त्म करेंगे। चलो ये ख़त्म, और यहाँ पे वैसे तीन गार्ड है जो पोजीशन लिए रहते हैं, मतलब कि एक और मुड़े रहते हैं बस, और कुछ नहीं। ऑल राइट चलो ये ख़त्म, अब ये भी इजी पीजी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा हमें पेशेंस के साथ खेलना होगा, क्योंकि ये लोग जो हैं हमको बिल्कुल नहीं मालूम इन तीनों को कैसे ख़त्म करना है, लेकिन थोड़ा बहुत तरीका हमको पता है कैसे कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो हमें देख नहीं पाएगा, हमें इन लोगों के चाल चलन पे ध्यान देते हुए आगे बढ़ना होगा। ओके एक आगे आ रहा है, थोड़ा सा हम आगे बढ़ सकते हैं लेट के, वैसे ये आई बिलीव ये देख नहीं पाएगा, ठीक है यहाँ तक रुक जाते हैं थोड़ा देरी के लिए। ओके वैसे इस जगह पे ये हमें आराम से देख सकता है, मतलब कि इस टाइप के पत्तों पे हम लोग छुप नहीं सकते। ओके धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे, जैसा कि हम बोले हम लोग वन बाय वन करके ही सबको को मारेंगे, हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि इतना लास्ट तक पहुंचने के बावजूद मिशन फेल हो जाए, मतलब कि चैलेंज फेल हो जाए, ठीक है। वो कहाँ है, ओके लेट के ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो है ये कभी कभी देख लेता है आसानी से। चलो एक ख़त्म, अब इन लोगों को हम मारने बिल्कुल नहीं जाने वाले, क्योंकि जब तक हम जाएंगे तब तक वो लोग पीछे मुड़ जाएगा। तो यहाँ हमें करना है इंतज़ार बस, और कुछ नहीं। ठीक है ये लोग अभी तक तो आगे बढ़े नहीं हैं, यहाँ में हम आगे बढ़ सकते हैं लेकिन हम रिस्क नहीं लेना चाहते, हम नहीं चाहते कि इस सिचुएशन में हम स्पॉट हो जाए। बस दो ही बचे हैं, ओके ये लोग अभी तक डेड बॉडी, ओके चलो ठीक है ये लोग फाइनली डेड बॉडी देख लिए हैं, और इनके मूवमेंट पे हमें ध्यान रखना है और कुछ नहीं। ठीक है हम चाहते हैं कि ये लोग शांत हो जाएं, मतलब कि होते ही हैं ये लोग, थोड़ा सा अलर्ट होते हैं एंड देन ये लोग शांत हो जाते हैं। ये लोग अलार्म बजाने नहीं जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि ये लोग चॉपर वाले गार्ड है, तो चॉपर वाले गार्ड कभी अंदर नहीं जाते हैं, ये लोग बाहर ही इर्द गिर्द भटकते रहते हैं। ठीक है इन लोगों का शांत, ठीक है एक रुक गया है, थोड़ा सा और हमें वेट करना चाहिए। चलो अब इसका दौड़ना चालू हुआ, ओके जिस तरह से हमको लगा ये लोग शांत हो चुके हैं, ठीक है अब हम लोग वही काम दोबारा दोहराएंगे, बस ये लोग थोड़ा सा आगे आ जाए,
इन लोगों को मारने में प्रॉब्लम इसलिए आता है क्योंकि ये लोग पीछे देख लेते हैं पता नहीं कैसे, तो हम वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। एंड आई नो गाइज कि टाइम टेकिंग बहुत हो रहा है, बट इस चक्कर में हम गेम प्ले को स्किप या फिर फास्ट फॉरवर्ड तो नहीं कर सकते, गेम प्ले को हम बिल्कुल प्योर जेन्यून ही रखना चाहते हैं। एंड आई बिलीव आप मेरी बातों से एग्री करोगे। ऑल राइट गाइज, तो वी आर वेरी क्लोज फॉर आवर मूवमेंट्स, ठीक है, बस इनके मूवमेंट का हमें थोड़ा सा वेट करना है। इन्हें वापस वही जगह हम लोग जाने देंगे जहां हमने लास्ट एक पर्सन को किल किया था, मतलब कि लास्ट टारगेट एनिमी गार्ड जो बोल लो। ओके, थोड़ा धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो वो ओके, ये मूव करना स्टार्ट कर दिया है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये रुक क्यों गया है भाई? ओके, ठीक है, एक आगे बढ़ रहा है, एक यहाँ रुका हुआ है, अच्छी बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे ख़त्म करेंगे और थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसके वापस मुड़ने से पहले ही हम लोग इसे ख़त्म कर सकते हैं, हमारे पास चांस तो है। ओके, अभी भी हम बहुत दूर है, लेकिन क्या हम रिस्क ले क्या? चलो गाइस देखते हैं। ओके, चलो फाइनली सारे खत्म, अनडिटेक्टेड, किल एवरीवन विथ नाइफ ओनली गाइस। और लास्ट वाला थोड़ा रिस्की था, हम मूव पहले किए थे, मतलब कि अपना मूवमेंट को जल्दी आगे बढ़ाए थे, जबकि हमको थोड़ा सा और पेशेंस के साथ उसको किल करना था। बट चलो, अच्छी बात यह है कि वो पीछे तो नहीं मुड़ा, ठीक है, हमें बस वेट करना है, ठीक है। ऑलराइट, खत्म, हमारा जो चैलेंज है परफेक्टली कंप्लीटेड। हाँ, थोड़ा सा हम स्लो खेले, बट क्या करें, चैलेंज ही ऐसा था। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट गेम प्ले में। हाँ, थोड़ा बहुत हो सकता है कि आप लोगों को ये गेम प्ले में लूप होल लगे, लेकिन उसके लिए ब्लूपर है, वो देख के आप लोग समझ जाओ, हम अलग से कुछ नहीं एक्सप्लेन करने वाले। सो टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। Another one. Oh shit! I don't think you have any idea how fast I really am. I'm fast as fuck, boy. Well done.